हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट करी। आज के वीडियो में हम बनाएंगे अर्धनारेश्वर की एक बहुत ही सुंदर सी मधुबनी पेंटिंग। अर्धनारेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का ही एक रूप है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं कैनवास का यूज़ कर रही हूँ और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने दोनों बॉर्डर्स के साइज़ दिए हैं। कैनवास के चारों ओर मैंने 1.5 इंच का स्पेस छोड़ा है। अगर आप पेंटिंग को फ्रेम कराना चाहते हैं तो मिनिमम 1.5 इंच का गैप ठीक रहता है। तो चलिए बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ वाटरप्रूफ जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। बॉर्डर डिज़ाइन के लिए हम पहले एक बारीक सा थिन सा डबल लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर वाले बॉर्डर के दोनों तरफ, और फिर यहाँ हम पूरे बॉर्डर को स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे हम डबल लाइंस ड्रॉ करते हुए स्क्वायर्स बनाएंगे चारों तरफ, और फिर इन स्क्वायर्स में हम फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम एक प्लस ड्रॉ करेंगे, फिर क्रॉस लाइंस बनाएंगे और कॉर्नर से एक फूल जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे स्क्वायर्स में ये फूल का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, और जो गैप बच जा रहा है कॉर्नर्स में उसे हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। तो इस तरह से हम बाहर का बॉर्डर बना लेते हैं। ये देखिए, पूरा बनने के बाद बॉर्डर कितना सुंदर दिख रहा है। दूसरे बॉर्डर में भी ऐसे ही चारों ओर हम एक बारीक सा डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बॉर्डर में हम ये लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि एक थिन बॉर्डर है तो हम इसमें सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है, तो ये सेंटर लाइन हमें हेल्प करेगा दोनों फेस को बनाने में, और यहाँ हमें सेंटर लाइन का ध्यान रखते हुए ही पूरी पेंटिंग बनानी है। यहाँ हम बना रहे हैं त्रिशूल, और उसमें भी हम डबल लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम बालों में छोटे छोटे सर्कल्स बना लेंगे। तो जब हम बालों में ब्लैक कलर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बालों में मोती जैसे पिरोए हुए हैं, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पर हमने चुनरी में डिज़ाइन बनाए हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं कमल का फूल। कमल के फूल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है मधुबनी पेंटिंग में, और उसे भी हम ऐसे डबल लाइंस से बना लेंगे। जब हम कलर करेंगे तो ये डबल लाइंस बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो आप इन डबल लाइंस को खाली भी छोड़ सकते हैं या इसमें लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। Thank you.
अब हम यहाँ पर बेलपत्र ड्रॉ कर लेंगे और जैसे हमने डबल लाइंस बनाई ऐसे ही डबल लाइंस बना लेंगे। हमारा ड्राइंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। यहाँ मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने बॉर्डर के लिए दो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमने जो डबल लाइंस ड्रॉ किए थे उसमें मैं ब्लैक जेल पेन से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ हमने जो बेलपत्र बनाया है उसमें भी हम जैसे लीव्स में लाइंस होती हैं वैसे ही ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।